हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? माई सेल्फ वरुण जैन, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में कि सीए इंटर जनवरी 2025 के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। लास्ट में अब 3 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है? तो 3 महीने में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी हम लोग आप डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि पूरी डिटेल में डिस्कशन होगा, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के लिए भी और जो सिंगल दे रहे हैं सिंगल वालों के लिए भी, दोनों के लिए डिस्कशन होगा। लेकिन वीडियो पूरी एंड तक देखना, थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर रहेगी लेकिन पूरी एंड तक देखना, और एक पेन पेपर लेके बैठना। जब भी वीडियो देखोगे पेन पेपर लेके बैठना और साथ साथ सारी चीजें लिखते चले जाना, ठीक है जी? चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं कि भाई हमें किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी है, लास्ट के 3 महीने को कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है। देखो आपको फेब से, अगर मैं मानता हूँ अपने फेब से शुरू करी थी अपनी तैयारी, तो आपने कम से कम, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तो सितंबर पूरा हो गया, तो आपने 7 महीने हो गया आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो 7 महीने तक जो आपने पढ़ाई करी है, अब जो आगे के 3 महीने आपके पास, वो 3 महीने आपको बेसिकली आपके डिसाइड करेंगे कि आपकी जो तैयारी थी, जो आपने पढ़ाई करी है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। कैसे हम इतनी सारी चीजों को समअप करके चलेंगे? तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, इंटर लेवल पे बोथ ग्रुप्स दे रहे हो चाहे सिंगल दे रहे हो, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो हमें किस तरीके से चीजों को समअप करना है, कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है और किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी है कि मेरा इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो। देखो फोकस शुड भी आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इसी अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि पहली पहली बारी में जो जोश होता है ना, वो आगे जाकर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। एक बार अटेम्प्ट लगने शुरू हो जाते हैं ना, तो आप समझ लो कितने अटेम्प्ट लगते हैं कुछ नहीं पता। तो एक ही बारी में निकालो, कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो उस पर हथौड़ा अगर आप मार दोगे तो इजीली आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो कहते हैं ना लोहा गर्म हो उस पर हथौड़ा मारो, तो इस समय आप ना बिल्कुल जोशीले हो, तो जोश में चीजों को निकाल दो। होश नहीं खाना, जोश में होश नहीं खोना, लेकिन जोश में क्या करो, अपनी चीजों को निकाल दो, अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट बना दो कि आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मेरी पूरी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप जनवरी में एग्जाम निकालोगे ही निकालोगे। बट ये 3 महीने आपको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है। अपने माइंड में ना पागलपन लियाओ, एक पागलपन होना चाहिए। अगर आपके अंदर किसी भी चीज का पागलपन नहीं है तो आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते। जैसे इस समय अपनी बात करूं तो मेरे अंदर अभी पागलपन आया नहीं है, लेकिन मुझे अपनी थोड़ी सी ना बॉडी फिगर ठीक करनी है, मुझे अपना थोड़ा वेट रिड्यूस करना है, लेकिन अभी मेरे अंदर वो पागलपन नहीं आया। क्योंकि वो पागलपन नहीं आया, क्योंकि इस वजह से मैं उसको कर ही नहीं पा रहा, डिले करता रहता हूँ कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ऐसे बहुत टाइम से मैं डिले करता जा रहा हूँ। तो आप लोग के अंदर भी अगर पागलपन नहीं होगा कि मुझे सीए बनना ही बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सीए इंटर जनवरी में निकालना ही निकालना है, तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। तो आपके अंदर वो पागलपन, वो मैडनेस होनी चाहिए। एक बार मैडनेस आप अपने अंदर ले आओ, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग पास हो गए होगे। आपको कोई रोक ही नहीं सकता पास होने के लिए, आप पास हो गए ही हो गए, ठीक है जी? चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कि लास्ट 3 महीने में हमें क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होगी। देखो लिखा तो मैंने बोथ ग्रुप्स है, यहां पर मैंने बोथ ग्रुप्स के बारे में बता रखा है, बट स्टिल सिंगल ग्रुप वालों को भी डिस्कशन करी है। एक बार देखते हैं 3 महीने का रिविजन प्लान। 3 महीने कैसे कैसे, आपके पास अक्टूबर का महीना बचा है, नवंबर का महीना बचा है, दिसंबर का महीना बचा है। अक्टूबर आप लगभग, आज क्या तारीख हुई है, आप 5-7 तारीख में आसपास वीडियो देख रहे होंगे ये, ठीक है? तो और जनवरी के भी कुछ दिन है आपके पास, 10 days ऑफ जनवरी भी है, 10 दिन जनवरी के भी है, तो इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो कैसे मैं इस टाइम को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करूं, कितनी रिवीजन मैं निकाल सकता हूं। मैंने एक प्लानिंग करी है कि अगर आप बोथ ग्रुप्स में हो, सिंगल ग्रुप में हो, आप आराम से 3 रिवीजन निकाल सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है 3 रिवीजन निकालना। और मैंने ये भी टाइम ले लिया कि अगर आपका अभी सिलेबस भी चल रहा है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उसका भी मैंने टाइम आपको दिया है, ध्यान से सुनते चले जाना बस। देखो 3 महीने की बात करो, अगर मैं रफली कैलकुलेट करूं तो वी हैव 98 डेज, 12 घंटे अगर आप डेली पढ़ाई करते हो। देखो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो कहने वाली बात है कि सर मैं तो 6 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ। कोई ये कह दे कि मैं 3-4 घंटे में सीए निकाल सकता हूँ, सीए इंटरमीडिएट निकाल सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। 12 घंटे की मिनिमम तैयारी पढ़ाई आप लोगों को अब लास्ट के 3 महीने में चाहिए, और आगे जाकर इसे 14 आवर्स में भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 14 घंटे भी आपको निकालने पड़ सकते हैं। और अगर मैं 24 घंटे में 12 घंटे की बात करूं तो आप आराम से निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, एक रफली बात करो मेरे से कि सर 24 घंटे एक दिन में, मैं कहता हूं आपने 7 घंटे, कैलकुलेटर लेके बैठो, देखो 24 में से 7 घंटे आपने क्या करा, नींद में निकाल दिए, 17 घंटे बचे। 17 घंटे में से 2 घंटे आपने अपने मिसलेनियस काम में निकाल दिया, नाना धोना खाना पीना, इसमें भी आपने 2 घंटे निकाल दिए, फिर भी 15 घंटे बचे। अब 15 घंटे में से मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 12 घंटे पढ़ो,
3 घंटे फिर आपका थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, बीच बीच में टीवी देख सकते हो, थोड़ा अपना वर्कआउट कर सकते हो। वो कह रहा हूं मैं, 15 घंटे तो आपके पास निकलते ही निकलते हैं। कोई ये कह दे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता इतना, वो सब बहानेबाजी है, एक्सक्यूजेज है। टाइम सबके पास होता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे टाइम, दैट इज अप टू यू। 15 घंटे तो मैं लिख कर दे सकता हूँ पेपर पे कि आप 15 घंटे आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब उस 15 में से मैं आपसे 12 घंटे मांग रहा हूं, अभी स्टार्टिंग 12 घंटे से करोगे तो एग्जाम तक आते आते ये 14 आवर्स पे भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 12 घंटे अगर आप निकालते हो तो यू हैव 1176 आवर्स, रफली अगर मैं पकड़ू राउंड फिगर में तो 1100 घंटे आपके पास है। अब देखो 1100 घंटे की अगर मैं बात करूं, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो 1100 को अगर आप 6 सब्जेक्ट से डिवाइड करते हो तो यू हैव 183 आवर्स पर सब्जेक्ट, 183 आवर्स पर सब्जेक्ट है, 183 घंटे, लगभग 180 घंटे एक सब्जेक्ट के हैं। 180 घंटे में बहुत सारे बच्चे अपना सिलेबस ही पूरा कर देते हैं। तो आप अपने सिलेबस को एक बार अगर आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर दोगे ना, तो आप एग्जाम तक अपना सिलेबस पूरा 6 के 6 सब्जेक्ट निपटा सकते हो। 180 घंटे के हिसाब से लगा रहा हूं मैं, कुछ में थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, मतलब पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन आप 70-80% तो आराम से कर सकते हो, इतना टाइम अवेलेबल है। अब ये मत सोचो कि टाइम कम है, टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। सिंगल की अगर मैं बात करूं, सिंगल में आपके पास देखो अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो 366 आवर्स पर सब्जेक्ट, आप अपने तीनों सब्जेक्ट को 2 बार कर सकते हो, इतना टाइम अवेलेबल है, इतना टाइम अवेलेबल है। सिंगल वाले देखो जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उसको तो पहली बात तो दिल से ही सैल्यूट है, दिल से ही सैल्यूट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बोथ ग्रुप्स के लिए कोशिश करी, ठीक है। मैं पर्सनली मेरा एक पर्सनल एक कनेक्ट हो जाता है उन बच्चों के साथ जो बोथ ग्रुप्स के लिए जाते हैं, रीजन बींग कि सर एटलीस्ट उन्होंने जज्बा दिखाया कि भाई मैं 6 के 6 ग्रुप्स ट्राई, 6 के 6 पेपर ट्राई करूंगा। अब देखो होंगे नहीं होंगे दैट इज अप टू देम, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये तो सोचा ना कि भाई मैं करूंगा, मैं प्रेशर दूंगा अपने आप को। तो बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा तो वैसे ही इस समय सिंसियर ही होगा कि भाई वो सेकंड ग्रुप पढ़ भी रहा होगा, फर्स्ट ग्रुप की रिविजन भी कर रहा होगा, तो उसका तो वैसे ही उसके पास प्रेशर रहेगा तो वो तो कर लेगा। दिक्कत सबसे ज्यादा क्या आती है सिंगल वालों के साथ, सिंगल वाले बच्चे ना थोड़े से रिलैक्स मोड में चले जाते हैं कि भी मेरे तो 3 ही पेपर हैं और अभी भी मेरे पास लगभग 3 महीने पड़े हैं, तो मैं आराम आराम से कर लूंगा। वो आराम आराम के चक्कर में पेपर खराब हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। सिंगल वाले बच्चे सावधान हो जाओ, अगर आप रिलैक्स मोड में जाओगे कि भाई मेरा तो आराम से हो जाएगा, मेरे पास तो 3 ही पेपर है, टाइम इतना अवेलेबल है, मैं कर लूंगा, वो होता नहीं है। बोथ ग्रुप्स वाला फिर भी प्रेशर में है, वो तो फिर भी कैसे ना कैसे करके कुछ तो निकाल ही लेता है बोथ ग्रुप वाला बच्चा, लेकिन सिंगल वाले बच्चे बहुत सारे बच्चे फेल ही इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। प्रेशर जितना आपने देखो प्रेशर तो लेना पड़ेगा जिंदगी में, अगर प्रेशर नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। नींद भूख प्यास सब ताक दो, जब तक आप नींद को भूख को प्यास को त्यागोगे नहीं, मैडनेस आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो पागलपन आपके अंदर आना चाहिए। आइए जी लेट्स डिस्कस प्लानिंग फॉर जनवरी 25। कुछ मैंने बेसिक बातें ध्यान रखी है, इसको फटाफट फटाफट देखेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, पूरी देखना वीडियो एंड तक। देखो अपने सारे सब्जेक्ट्स को अपना सिलेबस को 31 अक्टूबर तक खत्म करने की कोशिश करो, कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, सिंगल ग्रुप वाला बच्चा तो मेरे ख्याल से सिलेबस हो ही गया होगा, ऑब्वियसली हो गया होगा। अगर कुछ रहता भी है तो 31 अक्टूबर तक उसको निपटा दो, जो भी लेक्चर्स वेक्चर्स पड़े हुए हैं आपके पेंडिंग है 31 अक्टूबर तक कर लो। जो बोथ ग्रुप वाला बच्चा है वो भी कोशिश करो 31 अक्टूबर तक करने की, बाय चांस अगर नहीं भी होता तो इसको 10 नवंबर 12 नवंबर तक भी अगर आप लेके जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कवरेज आप सोचो कि मेरे को 31 अक्टूबर तक अपना सिलेबस कैसे भी करके निपटाना है। देखो ये 3 महीने, अक्टूबर का स्पेशली महीना फुल ऑफ फेस्टिवल्स है, अक्टूबर में सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, अभी आपका ये नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा आ जाएगा, फिर आपका दिवाली आ जाएगी, तो वो वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है। नवंबर में बर्थडे लोगों के काफी सारे आ जाते हैं, दिसंबर में क्रिसमस आ जाता है, न्यू ईयर आ जाता है, तो ये तो लॉट्स ऑफ फेस्टिवल वाला टाइम है, वैसे ही आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, ठीक है। तो आपको अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है। जिस दिन त्योहार हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिवाली सेलिब्रेट मत करो, दिवाली सेलिब्रेट करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई आज दिवाली है, शाम के टाइम में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उस दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपको इतना अपना समझदारी दिखानी पड़ेगी अपने करियर के साथ, आपको क्या होता है ना बच्चे खुद ही खिलवाड़ करते हैं अपने करियर के साथ, अपने टाइम के साथ, आपको उसकी यूटिलाइजेशन आनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 12 घंटे की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कम से कम 12 घंटे की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं बता चुका आपको। ध्यान रहे जितनी भी सोशल मीडिया एप्स है एग्जाम तक डिलीट कर दो, ये आपका इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये सब इंस्टा, ये अपना सारी चीजें एग्जाम तक इसको अनइंस्टॉल कर दो ऐप को, अगर अकाउंट हो तो डिलीट कर दो, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि सर फॉलोअर्स बनाए हैं तो क्यों डिलीट करेंगे, बट एटलीस्ट इन एप्स को अनइंस्टॉल कर दो, कुछ नहीं काम आने वाली। सर YouTube तो हमारे काम आता है, YouTube पे तो हम लेक्चर्स देखते हैं, YouTube पे अगर लेक्चर देखते हो तो अपने पेरेंट्स के फोन में देख लो, लैपटॉप पे देख लो, अपने फोन से ये सारी चीजों को आपको हटाना पड़ेगा,
सोशल मीडिया ऐप्स, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो एक ही बारी में, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी गेट टुगेदर होती है एग्जाम्स तक, उसे खत्म कर दो। कोई फंक्शन में नहीं जाना, कोई गेट टुगेदर में नहीं जाना, अनलेस कि आपके बिल्कुल ही घर में ही शादी है या आपकी खुद की शादी है, तब जा सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज कोई रिश्तेदार रिश्तेदार की शादी वादी में कोई जरूरत नहीं है जाने की। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, रिश्तेदारों की शादी में ना जाए, क्या करोगे वहां जाकर? अभी तुम्हें कोई पूछेगा वहां पर? कुछ नहीं पूछेगा। इंटर क्लियर करके अगर आप जाओगे फिर देखना आपकी वैल्यू कितनी रहेगी। अभी जाओगे तो वहां पर इंजॉय भी नहीं कर पाओगे और लोग ताने और देंगे, अरे एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई कैसे चल रही है, वो सुन के और इरिटेट हो जाओगे। तो बेटर रहेगा अवॉइड कर दो एग्जाम तक। एग्जाम के बाद जहां मर्जी जाओ, घूमने फिरने, जो आउटिंग वोटिंग जो मर्जी करना है एग्जाम के बाद करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 12 घंटे कैसे निकालने हैं? आप 4 स्लॉट निकाल सकते हो, 3 3 घंटे के भी। मैंने आगे जाकर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी किया है। अच्छा अपनी सारी चीजें, अपना सारा मटेरियल रेडी रखो। इस समय रिवीजन मोड में जब आप जा रहे हो तो अपना सारे मटेरियल रेडी रखो, मतलब आईसीए का स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, जहां से भी आपने क्लासेस लिया उनकी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, जो भी नोट्स वगैरह है वो नोट्स आपके पास होनी चाहिए, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू ये सब आपके पास होनी चाहिए। एक ना चेकलिस्ट तैयार कर लो, मैं चेकलिस्ट आपको बता देता हूँ। आज अभी वीडियो देखने के बाद आपका पहला काम यही होना चाहिए कि एक चेकलिस्ट, एक ट्रैकर तैयार करो, और ये ट्रैकर ना आप एक्सेल शीट पे बनाना, कॉपी पे मत बनाना, एक्सेल पे बनाना, थोड़ा कंप्यूटर स्किल्स भी आपकी सुधरेंगी, ठीक है। तो एक्सेल पे बनाओ ट्रैकर लाइक दिस, कि जैसे आप एडवांस अकाउंट्स है तो सबसे पहले लिख लो एडवांस अकाउंट्स, ठीक है। एक आप चेकलिस्ट ही ट्रैकर सा बनाओ कोर्स कंटेंट, कि कोर्स कंटेंट क्या है, ठीक है। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल लिखते रहो कि आप कहां कहां पढ़ने वाले हो, क्वेश्चन कहां कहां से करने वाले हो, स्टडी मैट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप पीवाईक्यू, कितने पीवाईक्यू देखने वाले हो वो पीवाईक्यू लिख दो, कितने पीवाईक्यू देखने वाले हो, कितने आरटीपी देखने वाले हो वो आरटीपी लिख दो, कितने आप एमटीपी देखने वाले हो वो एमटीपी लिख दो, कोई अगर आपने कोई क्वेश्चन बैंक ले रखा है वो क्वेश्चन बैंक लिख दो, ठीक है। यहाँ पर सारा सिलेबस लिख लो अपना, नहीं तो देखो सिलेबस लिखने से क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये टॉपिक भी मेरे सिलेबस में, ठीक है। जैसे मान लो AS से बात करो, AS1 हो गया, AS2 हो गया, AS3 हो गया, AS4 हो गया, AS5 हो गया, ये सब लिख लो। ऑडिट का ऐसे बनाओ, ऑडिट में सारे एसेज वगैरह लिख लो, चैप्टर्स लिख लो, ये ट्रैकर बनाओ। और जब भी आप अपने रिवीजन पे आ रहे हो, अच्छा इसका एक्सेल शीट बनाकर ना, जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो इसका प्रिंट आउट निकालो, मतलब हर रिवीजन में आपको ये करना है, हर रिवीजन में ये करना है कि भाई फर्स्ट रिवीजन में आपको एक ट्रैकर बनाना है, ठीक है। और ये ट्रैकर निकाल के अपने सामने पेस्ट कर देना, जब तक ये तैयारी नहीं हो जाती सिलेबस की वहां तक उसको रखे रहने देना, जब हो जाएगा तो उसको हटा के फिर दूसरा लगा देना। ऐसे हर रिवीजन में आपको एक चेकलिस्ट तैयार करनी है और ये देखना है, इसको फिल करते रहना। जैसे AS1 आपने उठाया कि मैं AS1 कर रहा हूं, तो AS1 क्या स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन हो गए, क्या पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कवर हो गए, क्या आरटीपी कवर हो गया, क्या एमटीपी कवर हो गया, ये सारी चीजें आपने टिक लगाते रहो। जितना ज्यादा आप इस पर टिक लगाओगे, जितना ज्यादा ये चेकलिस्ट आपकी फिल होती रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि मैं सारी चीजें कवर अप कर रहा हूं, फिर ये डर नहीं लगेगा कि ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया। सारी चीजें आपके साथ साथ कवर होती चली जाएंगी। ये ट्रैकर आपका बहुत काम आएगा, ये मैं यूज करता था, आपको भी ये यूज करना चाहिए। 6 के 6 पेपर का आप एक ट्रैकर बना लो, एक्सेल शीट बना लो, ठीक है। ये बहुत काम आएगी आपको आगे जाकर, और ये आदत अगर आपको पड़ गई तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारे टास्क दे दिए जाएंगे, तो टास्क को आप मल्टीपल टास्क, सब टास्क में ब्रेकअप ब्रेक करोगे, हर टास्क का एक आपका टारगेट होगा, फिर वहां पर भी आपको ये ट्रैकर या काम आएगा कि हाँ सर ने बताया ऐसा ट्रैकर कि मैं चेक करता रहूं कि मैं मेरा स्टेटस क्या है, मैं कहां कहां तक पहुंच चुका हूं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा चीज हो रही है, कौन सी चीज रह रही है, कहां क्या दिक्कत आ रही है, ये सब चीजें। जब भी रिवीजन करो तो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस मार्क करते हुए चलो कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ताकि आप अगली रिवीजन में उन चीजों को यूज कर पाओ, ठीक है। ओके देन हर सब्जेक्ट के, आपको कसम खानी है आज कि हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो मैं दूंगा ही दूंगा, 2 फुल कोर्स मॉक टेस्ट तो दूंगा ही दूंगा, और चैप्टर वाइज अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसको भी सेल्फ असेस करते रहो, लेकिन एटलीस्ट 2 या 3, डिपेंड करता है आपके ऊपर जितनी रिवीजन आप निकाल रहे हो, लेकिन 2 मिनिमम 2 फुल कोर्स मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट आपको देने ही देने हैं। हर एक सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो। बच्चे प्रैक्टिकल तो दे देते हैं, थ्योरी अवॉइड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। 2 मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के देने ही देने हैं, ठीक है जी। एक मेंटर आपके पास होना जरूरी है। अच्छा मेंटर जरूरी नहीं है कि आपका कोई टीचर हो, मेंटर कोई भी हो सकता है। अच्छा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेंटर की जिससे आपने क्लासेस लिया वही आपका मेंटर हो, हो सकता है आपका कोई पुराना टीचर हो जिससे आपने क्लास 10th में 11th में 12th में पढ़ाई कर रखी हो और उससे आपका अच्छा बॉन्ड हो, तो वो भी आपका मेंटर हो सकता है। आपका मेंटर आपके भाई बहन हो सकते हैं,
आपके पेरेंट्स हो सकते हैं मेंटर, आपका कोई दोस्त हो सकता है। दोस्त मेंटर तभी होगा जो वो आपको आगे बढ़ने की सलाह देगा। अगर दोस्त आपको नीचे गिरा रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने की डिस्ट्रैक्ट करवा रहा है आपको, तो वो मेंटर नहीं है। ऐसे दोस्त से दूर रहें, ठीक है। तो मेंटर कोई भी हो सकता है, आप मुझे भी अपना मेंटर बना सकते हो। अगर आप मुझे कुछ समझते हो तो आप मुझे भी अपना मेंटर बना सकते हो, लेकिन मेंटर वो होगा जिससे आप दिल खोलकर अपनी बातें शेयर कर सको, वो मेंटर होता है आपका, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जैसे जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, अगर उनको लगता है कि वो मुझसे दिल खोल के सारी बातें शेयर कर सकते हैं, तो आई कैन बी देयर मेंटर। और मेरा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जो मेरे से कनेक्टेड है तो मैं आजीवन उसके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, प्रोवाइडेड कि सामने वाला भी कनेक्टेड रहे, ठीक है, आजीवन रहता हूँ, ये ध्यान रखना। जो भी आप प्लान बना रहे हो, देखो प्लान है, प्लान कैन नेवर बी परफेक्ट। ये जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, ये प्लान है, ये कोई कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो भी प्लान बता रहा हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से तैयार किया है। आपका थोड़ा कस्टमाइज हो सकता है, बट आपको एक बेस मिल जाएगा कि सर ने जैसा बताया है इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको प्लस माइनस करके देख लूँ। वो आपकी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो प्लान कैन नेवर बी परफेक्ट, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता जिंदगी में। आपको बस उसे अप्लाई करके देखना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि क्या ये मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। तो आपको प्लान को रिव्यू करना चाहिए वंस इन अ वीक, कि आपने एक वीक का प्लान बनाया कि मेरे को इस वीक में ये सब निपटा लेना है, ठीक है। एक मास्टर प्लान बनाओ, फिर उसके बाद एक सब ऑब्जेक्टिव्स बनाते रहो कि मेरे को वीकली ये चीजें करनी है। तो एक वीक का आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया और उसको रिव्यू करो कि मेरे को वो चीज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हो सकता है आपका प्लान में ही कोई कमियां हो, तो अगर आपको लगता है कि भाई कहीं मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन आपको अपने प्लान को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे खो जाते हैं प्लान के अंदर ही। आपने प्लान तो बना लिया, प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप सोचोगे बेकार है प्लान व्लान बनाना। प्लान बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना प्लान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं रिवीजन प्लान की। मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप थोड़ा सा इससे बेस लेकर अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने का प्लान क्या है? सर अक्टूबर में आपको अपनी क्लासेस पूरी करनी है। अक्टूबर के महीने में आपको क्या करना है? क्लासेस को निपटा देना है। क्लासेस कैसे निपटाओगे? 6 से 8 घंटे की आपको क्लासेस देखनी देखनी है। इसको 10 आवर्स तक भी लेके जा सकते हो, 10 घंटे तक भी लेके जा सकते हो। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 12 घंटे तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मिनिमम 12 आवर्स आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो आप 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, डिपेंडिंग कि आपका कितना सिलेबस बचा हुआ है, तो आप अपनी क्लासेस को पूरा करो। चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, चाहे अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो। सिंगल दे रहे हो तो भाई आप उस हिसाब से देखो, अगर आपका कुछ रहता है तो, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप क्या करो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। जो भी आपको टाइम मिले, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सेल्फ स्टडी भी करो। सर सेल्फ स्टडी में क्या करो, अगर मेरी कोई क्लासेस वगैरह पेंडिंग ही नहीं है, तो आप टॉपिक स्पेसिफिक स्टडी कर सकते हो। अक्टूबर के महीने में सिर्फ आप क्या करो, टॉपिक स्पेसिफिक स्टडी करो कि जो भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, जो भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, दिक्कत क्रिएट हो रही है, उन टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, उन टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अदरवाइज आपका फोकस रहना चाहिए कि मुझे अक्टूबर के महीने में अपनी सारी क्लासेस निपटा देनी है, कैसे भी करके, दिन रात एक करके मुझे अपनी क्लासेस को पूरा खत्म करना है। जय श्री राम, ठीक है। नवंबर, नवंबर का महीना, यहां से आप अपनी रिविजन शुरू करने वाले हो, यहां से आप अपनी रिविजन शुरू करने वाले हो। रिविजन नंबर वन, पहली रिविजन है आपकी, ठीक है। समय देना है कितना, 12 घंटे का कम से कम। देखो वीडियो लंबी है, वीडियो लंबी है, पूरी देखनी है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। ये मत सोचा इतनी लंबी वीडियो हो गई है, लंबी वीडियो तो है, डिटेल में प्लानिंग डिस्कस करूंगा, लंबी वीडियो तो रहेगी रहेगी। 12 घंटे की आपको नवंबर के महीने से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। 12 घंटे आप कैसे निकालोगे? 6 घंटे का एक स्लॉट होना चाहिए आपका, फिर 3-3 घंटे के 2 स्लॉट। अच्छा, ये ध्यान रखना कि 6 घंटे का आपका जो स्लॉट रहेगा वो एट अ स्ट्रेच होना चाहिए। अब यहां पर सब्जेक्टिविटी क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मॉर्निंग पढ़ूं या नाइट पढ़ूं, मॉर्निंग में पढ़ूं या नाइट पढ़ूं। देखो मैं अगर पर्सनली, मेरा तो हमेशा पर्सनल फेवरेट है कि मॉर्निंग 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाओ। तो मैं अगर आपकी जगह होता, मैं 4 बजे उठता और मैं 4 बजे से लेकर 10 बजे तक नॉनस्टॉप एक स्लॉट निकालता, नॉनस्टॉप। बीच में 5-10 मिनट मैं उठता और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता, अदरवाइज नॉनस्टॉप बिन नागा जिसे बोलते हैं हम देसी भाषा में, तो बिना रुके मैं नॉनस्टॉप 6 घंटे का एक स्लॉट निकालता, ठीक है। बट आजकल की जनरेशन नाइट स्टडी ज्यादा प्रेफर करती है। ओके, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नाइट में पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट में आपको 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक का, 4 बजे तक का आपको एक नॉन स्टॉप स्लॉट निकालना है, फिर आप सो जाओ, फिर आप सो जाओ, फिर आप सो जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो स्टार्टिंग का स्लॉट आपका लंबा होना चाहिए, जितना लंबा खींच सकते हो उतना लंबा खींच दो, 6 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। या अगर रात में पढ़ रहे हो तो रात में आप सोने से पहले
नाइट पढ़ते हो तो सोने से पहले आपका 6 घंटे का स्लॉट होना चाहिए, आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। मैं दोनों अप्लाई कर चुका हूँ, मैं मॉर्निंग भी पढ़ चुका हूँ, मैं नाइट भी पढ़ चुका हूँ। मेरे लिए मॉर्निंग ज्यादा सुटेबल रहा हमेशा, तो मैं मॉर्निंग को प्रेफर करता था। बाकी आपकी मर्जी है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी पढ़ो। ठीक है, तो 6 घंटे का एक स्लॉट निकालो और फिर उसके बाद 3-3 घंटे के 2 स्लॉट निकालो, आपका काम बढ़िया होगा। अब देखो क्या करना है, जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं ना, एक सब्जेक्ट बोथ ग्रुप वालों को बहुत परेशान करता है, ऑडिट। और जो सिंगल वाला बच्चा है, अब देखो यहां से ऐसे देखते रहना साथ साथ, जो सिंगल वाला बच्चा है उसको एक सब्जेक्ट परेशान करता है टैक्स। ये सिंगल वाले का साथ में प्लान बना रखा मैंने, ठीक है। तो आपको बोथ वालों को डेली 2 घंटे फिक्स करना है, कसम खा लो, नवंबर से लेकर अपने एग्जाम तक। आपका एग्जाम है 11 जनवरी को, तो 8, 9, 10, 3 दिन तो आप अकाउंट्स को देते ना, 7 जनवरी तक आपको जो करना है 7 जनवरी तक करना है। तो आप कसम खा लो 1 नवंबर से लेकर 7 जनवरी तक डेली 2 घंटे ऑडिट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 1 नवंबर से लेकर 7 जनवरी तक डेली 2 घंटे ऑडिट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अगर आप इसको आर्ट्स में कैलकुलेट करोगे तो आप कितने हो जाएंगे, देखो 30, 31 + 7 × 2, 136 घंटे। 136 घंटे आप ऑडिट पढ़ रहे हो, 136 घंटे में आप चाहो तो ऑडिट का 90% सिलेबस पूरा डिटेल में दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि डेली 2 घंटे आपको ऑडिट को देने ही देना। आप देख लेना, ऑडिट से आपको प्यार हो जाएगा। प्यार नहीं हो जाएगा तो सर जो बोलोगे वो कर दूंगा, आपको इस सब्जेक्ट से इतना प्यार हो जाएगा। सिंगल वाला जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है टैक्स को लेकर, तो आपको डेली 3 घंटे एग्जाम तक, नवंबर से लेकर 1 नवंबर से लेकर 7 जनवरी तक डेली 3 घंटा आपको टैक्स को देना ही देना है। टैक्स लेंथी सब्जेक्ट है तो टैक्स को देना ही देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब प्लानिंग देखो, बोथ वाले की बात कर दूं, अगर मैं 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आप लॉ को दे दो टाइम, 8 घंटे लॉ निपटा दो, 8 घंटे पढ़ो और लॉ पूरा खत्म करो, 1 से 7 नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। और साइड बाय साइड थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए आप अकाउंट्स को 2 घंटे लगा सकते हो। जैसे ही एक सब्जेक्ट आपका पूरा होता है, अब देखो यहाँ पर लॉ पूरा हो जाएगा, उसका मॉक टेस्ट दे दो। हर सब्जेक्ट को पूरा होने के बाद आपको उसका एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, फिर उसके बाद 8 से 13 तक, ये मैंने डेट्स लिखे हैं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, आप ऊपर नीचे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से 13 तारीख तक फिर आप जो अकाउंट्स 2 घंटे पढ़े थे उसको अकाउंट्स को 8 घंटे दे दो और टैक्स को साथ में ऐड कर दो 2 घंटे। ठीक है, ऑडिट देखो चल ही रहा है आपका 2-2 घंटे का। ठीक है, फिर 14 तारीख से 20 तारीख तक आप टैक्स को 8 घंटे कर दो और साथ में कॉस्टिंग को ऐड कर दो 2 घंटे के लिए। ठीक है, फिर 20 से 25 तारीख तक कॉस्टिंग को 8 घंटे कर दो और FMSM को 2 घंटे कर दो। ठीक है जी, और 26 से 30 तारीख तक FMSM को 8 घंटे कर दो और ऑडिट 4 घंटे। ऑडिट 4 घंटे कैसे, 2 घंटे तो मैंने आपको दे ही रखा है और 2 घंटे आप और ऐड करोगे तो ऑडिट 4 घंटे हो गया। FMSM 8 घंटे और ऑडिट 4 घंटे। जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा होता रहे, एक एक रिविजन पूरी होती रहे, हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देते चले जाओ। ये बोथ वाली बात आ गई। सिंगल वालों के लिए प्लान क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करा मैंने, डेज बढ़ा दिए। जैसे आप 1 तारीख से 10 तारीख तक लॉ पढ़ो 7 घंटे, टैक्स दे रहे हो 3 घंटे का फिक्स कर दिया टैक्स का, और 7 घंटे लॉ पढ़ रहे हो और स्विच करने के लिए 2 घंटे आपने अकाउंट्स पढ़ लिया। ठीक है, फिर 11 तारीख से 20 तारीख तक अकाउंट्स को ही दे दिया मैंने टाइम 9 घंटे का और 3 घंटे आप टैक्स पढ़ ही रहे हो। और 21 तारीख से 30 तारीख तक कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ टैक्स पढ़ रहे हो, फुल डे आप सिर्फ टैक्स ही टैक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि टैक्स लंबा है, टाइम ज्यादा लगता है। तो 30 तारीख तक आप भी एक रिविजन पूरी कर लोगे, ये रिविजन 1 हो गया। जैसे जैसे आपका सिलेबस होता रहे, एक एक रिविजन होती रहे, एक एक मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, फुल कोर्स का मॉक टेस्ट। आप चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट दो या मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फुल कोर्स मॉक टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो नवंबर के महीने में आप एक रिवीजन अच्छे से कर जाओगे, सिंगल वाले भी और बोथ वाले भी। सिंगल वालों को मैंने टाइम पीरियड ज्यादा दिया है, आप चाहो तो सिंगल वाले बच्चे टाइम पीरियड कम करके 2 रिवीजन भी निकाल सकते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन बोथ वाले ज्यादा छेड़खानी मत करना, क्योंकि मैंने बोथ वालों का थोड़ा स्पेसिफिक करके प्लान बना रखा है। अब आता है दिसंबर। दिसंबर में रिवीजन 2 है, सेकेंड रिवीजन है। ठीक है, 12 to 14 hours लेके जाना। आप देखो, आप कोशिश करना दिसंबर में ना अपना टाइम पीरियड बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे, देखो 6 घंटे जो मैंने दिए थे वो तो करना ही करना है, स्टार्टिंग वही पहला स्लॉट मॉर्निंग उठते ही या फिर रात को जो आप पढ़ रहे हो सोने से पहले का आपका एक स्लॉट 6 घंटे का नॉनस्टॉप होगा। फिर 3-3 घंटे के 2 स्लॉट और इसमें ना कोशिश करो 1-2 घंटे का स्लॉट, छोटा सा स्लॉट और ऐड करने की, प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। देखो नवंबर में जब आप इतना तरीके से पढ़ जाओगे ना, आपका दिसंबर में अपने आप ही मन करेगा कि मैं 12 से इसे 14 आवर्स तक ले जाऊं। ठीक है, और आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, हम डरते ही रहते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, हम सोचते रहते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम में कैसे होगा, क्या मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा। ये सोच सोच के तो आप अपना दिमाग खराब कर लोगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा लोगे अपनी, और कुछ नहीं होगा। सोचना बंद करो, अप्लाई करना शुरू करो, करना शुरू करो। सोचने से कुछ नहीं होगा, काम करने से कुछ होगा। तो काम करने की आदत डालो, सोचने की आदत बंद कर दो। अपने दिमाग को सोचने में मत लगाओ, अपने दिमाग को काम करने में लगाओ। जितना करोगे, जितना काम करोगे, उतना ज्यादा आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा, ये ध्यान रखना।
सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से सिर्फ और सिर्फ इंसान का टाइम वेस्ट होता है। आइए जी, सेकंड रिवीजन कैसे करनी है आपको, दिसंबर का महीना कैसे यूटिलाइज करना है ये देखना ध्यान से। देखो डेली वही ऑडिट को मैंने 2 घंटे दे ही रखे हैं, ठीक है, और वही सिंगल ग्रुप वालों को टैक्स को 3 घंटे दे ही रखे हैं, वो फिक्स है, उसको मैं हिला ही नहीं रहा अभी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब अपना टाइम डेज को कम करोगे, अब सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का ही टारगेट लगाऊंगा, जैसे 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपको सिर्फ लॉ पढ़नी है, 1 2 3 4 5, 5 दिन फुल डे लॉ पढ़ी, 14 आवर्स अगर आप निकाल रहे हो तो 12 आवर्स में लॉ पढ़ो और 2 घंटे आप ऑडिट पढ़ते रहो, ठीक है। जैसे लॉ पूरा हो दूसरा मॉक टेस्ट, अगेन मॉक टेस्ट, यहां मॉक टेस्ट नंबर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। 6 से 6 से लेकर 10 तारीख तक अकाउंट्स पढ़ो और फिर उसका मॉक टेस्ट दो, ऐसे 11 से 15 तक टैक्स पढ़ो उसका मॉक टेस्ट दो, 16 से 20 तक कॉस्ट पढ़ो उसका मॉक टेस्ट दो, और 21 से 25 तक आप एफएमएसएम पढ़ो उसका मॉक टेस्ट दो, और ऑडिट तो आपकी चली रही है, जैसे ऑडिट का आपका दूसरा रिवीजन पूरा हो ऑडिट का भी मॉक टेस्ट दो, ऑडिट का भी मॉक टेस्ट दो। सिंगल ग्रुप में डेज बढ़ा दिए मैंने, जैसे 1 से 8 तारीख तक लॉ पढ़ो उसका मॉक टेस्ट, 9 से 16 तक अकाउंट्स पढ़ो और 17 से 23 तक टैक्स पढ़ो और मॉक टेस्ट साथ साथ दे दो, सब्जेक्ट खत्म हो मॉक टेस्ट दो काम खत्म, ठीक है ओके। और मॉक टेस्ट इवैल्यूएट भी होंगे, अगर सर आपको कोई मेंटर नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा मॉक टेस्ट कहां से करूं, देखो मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट जो कर रहे हो उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होता। मॉक टेस्ट सिर्फ आपको असेस करने के लिए होता है कि क्या मैं वो 2 घंटे में कहते हैं ना परफॉर्म कर पाऊं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा, क्या मैं 2 घंटे के प्रेशर को डील कर पाऊं नहीं कर पा रहा, क्या मैं 2 घंटे में पेपर पूरा कर पाऊं नहीं कर पा रहा, क्या मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए होता है, आप कोई भी पास्ट एग्जाम उठाकर भी कर सकते हो काम, कोई भी पास्ट एग्जाम उठाओ और उससे भी आपका काम हो सकता है, ठीक है ओके। फाइनल रिवीजन, देखो फाइनल रिवीजन 14 आवर्स मस्ट, देखो फाइनल रिवीजन लास्ट में मतलब 25 दिसंबर के बाद आपको 14 घंटे तो निकालना ही निकालना है, फिक्स कर देना वही 6 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 2 घंटे वो स्लॉट, ठीक है। अब यहां पर जो मैं ऑडिट दे रहा था आपको, टैक्स दे रहा था, अब वो मैंने खत्म कर दिया, अब आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के आपने बहुत अच्छे से रिविजन कर लिया होगा उसका, मैं मानता हूँ, ठीक है। बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे क्या करेंगे, 26 और 27 2 दिन देखे, अब देखो टाइम कम है, 2 दिन में आपको पूरा लॉ ही पढ़ना है और मॉक टेस्ट देना है, काम खत्म। तीसरा रिवीजन में आप, ये फाइनल रिवीजन है, इसमें अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो, अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आपको फाइनल फाइनल टच देना है चीजों को, ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर 2 दिन में लॉ कैसे पढ़ लूंगा, इतना सारा सिलेबस है 2 दिन में कैसे लॉ पढ़ूंगा, आप एक चीज बताओ 1.5 दिन में भी तो सिलेबस रिवाइज करोगे ना पूरा, 1.5 दिन में भी तो सिलेबस आपको रिवाइज करना है, मैं तो फिर भी यहाँ पर 2 दिन दे रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट में 3 दिन में भी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी और हो जाएगा, पहले आप 2 बार रिवाइज कर चुके तो तीसरी बार आराम से आप 2-2 दिन 3-3 दिन में रिवाइज करोगे सिलेबस को, क्योंकि आपका फाइनल रिवीजन है, तो फाइनल रिवीजन में अच्छा जो भी चीजें करनी है ना फाइनल रिवीजन के टाइम पे आपको कोई भी ध्यान रखना, डोंट रेफर एनी वीडियोस, कोई रिवीजन वीडियो अगर आप रेफर करते हो, कोई प्लेलिस्ट वगैरह रेफर करते हो, वो फाइनल रिवीजन से पहले खत्म हो जाना चाहिए, मतलब 25 दिसंबर से पहले पहले आपका मैराथन रिवीजन वो सब चीजें आपकी 25 दिसंबर से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए। जो भी आपको लगाना है ना, वो जो मैंने आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है, ये जो मैंने आपको टाइम दे रखा है यहाँ पर, जो मैंने आपको टाइम दे रखा है ना, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन, इसमें आप मैराथन देखो रिवीजन लेक्चर्स देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल रिवीजन के टाइम पे यहाँ सिर्फ सेल्फ स्टडी होगी, यहाँ पर फास्ट ट्रैक मोड पे आप अपने हिसाब से मेन 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 चीजें देख रहे होंगे बस, यहाँ पर कोई रिवीजन मैराथन कुछ नहीं चलेगा, जो करोगे पहले कर लेना, जो वीडियो देखनी है पहले देख लेना, उसके बाद। बच्चे सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं, सुन लेना ध्यान से, गलती यही करते हैं कि लास्ट टाइम पे आके डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर, कि यूट्यूब की मैराथन देख लूंगा और अपना रिवीजन वीडियोस देख लूंगा, आरटीपी एमटीपी की वीडियो देख लूंगा, बिल्कुल बेकार तरीका है वो। एग्जाम से पहले आपको 10-15 दिन कम से कम अपनी सेल्फ स्टडी पे ही लगाने चाहिए, जो देखना है वो आप 15 दिन पहले देखकर खत्म कर दो, लास्ट के 15 दिन सेल्फ स्टडी ही आपकी काम आएगी, कोई वीडियोस काम नहीं आने वाली है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना मेरी बात। अच्छा 28 से लेकर 30 तारीख तक 28, 29, 30 अकाउंट्स को दो, 31, 1 और 2 3 दिन आप टैक्स को दो, टैक्स रिवाइज करो, 3 और 4 2 दिन में कॉस्ट रिवाइज करो, 5 और 7 5, 6, 7 3 दिन ये मैंने ऑडिट और एफएमएसएम ये मिक्स करके आप रिवाइज कर सकते हो, और 7 तक जो हो गया हो गया, फाइनल रिवीजन में जो हो गया हो गया, 8, 9, 10 सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट्स को देना है, पहला पेपर शुड बी योर बेस्ट टू बेस्ट पेपर, तो 8, 9, 10 ये 3 दिन आपको अकाउंट्स को ही देना है, ठीक है। और जो सिंगल दे रहा है, सिंगल वाले सुन लो ध्यान से, सिंगल ग्रुप 24
से 27, क्योंकि वो 23 तक उन्होंने निपटाया था ना लास्ट, 23 तक निपटाया था, तो 24, 25, 26, 27, 4 दिन लॉ को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दे देना। 27 से लेकर 1 तारीख तक अकाउंट्स रिवाइज करो, मॉक टेस्ट देना, और 2 से लेकर 7 तारीख तक टैक्स को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दे देना, काम खत्म। 8, 9, 10 रिजर्व ओनली फॉर अकाउंट्स, ठीक है। तो दिस इज योर प्लान, दिस इज योर स्ट्रेटजी कि मुझे जनवरी अटेम्प्ट में कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी बना के दी है, इंप्लीमेंट करो, दिस इज द बेस, ये बेस बनेगा, आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, एटलीस्ट बनाओ जरूर एक स्ट्रेटजी, एक प्लान जरूर बनाओ, बिना प्लान के बिना स्ट्रेटजी के पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको नहीं पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अभी सिचुएशन क्या आ रही है, अभी सिचुएशन ये आ रही है कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं क्लासेस भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी कर लेता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा क्लासेस का प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन स्टिल मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पहले भी पढ़ाई करी है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं जब तक आप रिविजन मोड पर नहीं आओगे, ठीक है। तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अक्टूबर के महीने में अपनी क्लासेस पूरी करनी है। आप थोड़ा सा प्लानिंग को ऐसे कस्टमाइज कर लेना अपनी कि आप देख लेना आपकी कितनी क्लासेस बची हैं, तो आपको मैक्सिमम क्लासेस अक्टूबर में निपटानी है, थोड़ी बहुत अगर नवंबर में जा भी रही होंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लेकिन एटलीस्ट करो, एटलीस्ट करो। ये सोचने में वक्त वेस्ट करना टाइम कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, प्लानिंग करता हूँ वो फेल हो जाती है, प्लानिंग सबकी फेल होती है, कोई भी परफेक्ट प्लानिंग कर ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस वगैरह बहुत होती हैं, सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, अवॉइड कर दो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस को, अपने देखो आप अपने करियर के बारे में कुछ सोचो, ठीक है, कोई नहीं है आपका करियर का सोचने वाला, प्रोफेशनल कोर्स में आप समझ लो कोई नहीं है आपके साथ, अकेले हो आप, अकेले आए हो अकेले जाओगे, तो आपको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। 11th 12th में क्या होता था कि भाई हमारे पेरेंट्स हैं, ट्यूटर्स हैं, स्कूल है, उन सबका प्रेशर होता था तो बच्चा पढ़ लेता था, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ना आईसीए को कोई फर्क पड़ता, यहाँ पर जिनसे आपने क्लासेस ली हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सर हर क्लास वाला पूरा ध्यान देता हूँ हर चीज पे, मैं भी क्लास देता हूँ, मैं भी कोई गारंटी नहीं देता कि मैं किसी हर एक बच्चे पे एक एक बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दे रहा हूँ, नहीं, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे तक क्लास पहुंचे, वो क्लास पूरी कर ले, उसके डाउट सॉल्व हो जाए, उसका सिलेबस पूरा हो जाए, हमारा ये टारगेट होता है, पहला प्राइम टारगेट तो हमारा ये होता है, फिर जो बच्चा कनेक्टेड रहता है देन उससे हम टच में रहता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की, तो यहाँ पर आपका कोई हाथ पकड़ पड़ के चलाने नहीं वाला, ये ध्यान रखना, वो दुनिया कहती है कि हमारी हैंड होल्डिंग है, हैंड होल्डिंग है, वो हम मुझे पता है कि किसी की कोई हैंड होल्डिंग नहीं होती, सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, ठीक है। तो आपको खुद ही अपनी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको खुद ही इतना मेच्योर इनफ होना पड़ेगा कि मैं कैसे चीजों को निकाल पाऊंगा। फाउंडेशन लेवल तक फिर भी हम थोड़ी हैंड होल्डिंग कर देते हैं, लेकिन इंटर लेवल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को देखना, एक एक बच्चे पे ध्यान देना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो करो, स्टार्ट करो, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ, जिसके पास मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये जो नीचे स्क्रोल हो रहा होगा नंबर, ये तो ऑफिस का नंबर है, तो आप मेरा पर्सनल नंबर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, 9717175748, यू कैन कॉन्टैक्ट मी व्हाट्सएप ओनली, बस ये ध्यान रखना व्हाट्सएप ओनली, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट, अगर आपको कोई क्लासेस चाहिए, अकाउंट्स की क्लासेस है अफोर्डेबल प्राइस पे, इस समय आपको अकाउंट्स की क्लास मात्र 5500 रुपये में मिल जाएगी, मात्र 5500 में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और फिर मैं गाइड करूंगा आपको कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कि एग्जाम के लिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या रहेगी, तो सिर्फ 5500 रुपीज देकर आपको एग्जाम तक लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो यू कैन बाय अलोंग विद बुक्स, बुक्स भी मिलेंगे इसमें आपको, हार्ड कॉपी में सब कुछ मिलेगा, तो आप वो लेक्चर्स वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करो, तैयारी कहते हैं ना, तैयारी जीत की इस समय, कि जनवरी में निकालने निकालने हैं, तैयारी करो, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।